शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, खूबसूरती का दूसरा नाम। और आज की कहानी इस शिमला से ही जड़ित है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं पार्थ सारथी राउत, आप सभी का दोस्त एंड होस्ट। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी को, अगर ये कहानी आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह से कहानी सुनने के लिए, और आपकी दोस्त रिश्तेदार यार जिसको भी इस तरह से कहानी या फिर जानकारी सुनने में जानने में इंटरेस्ट है उन्हीं के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। हाँ, एक और बात, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, जानकारी है या फिर कोई ऐसे इंसिडेंट है जो लौकिक और परलौकिक घटना से जड़ित है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, या फिर आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जो मैंने उसे मेंशन कर दिया उससे भी आप मुझे भेज सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, या फिर लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सो ये जो कहानी है, ये भारत की, या फिर जानकारी कह लो, ये भारत की 10 सबसे भूतिया जगह में से एक का है, यानी इंडियाज टॉप 10 मोस्ट हंटेड प्लेस में से एक की कहानी आज आप सुनने वाले हैं। और इसका रैंकिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 4th नंबर पे आते हैं, 4 नंबर पे, 4th पोजीशन है इसका यार, समझ सकते हैं कितना खौफनाक जगह होगा ये। तो चलिए आज इसकी ये कहानी जो है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो शिमला में एक बहुत ही फेमस रेलवे लाइन है जिसे शिमला कालका रेलवे लाइन भी कहा जाता है, और इस रेलवे लाइन में लगभग 103 टनल्स है। तो इन्हीं में से सबसे बड़ा जो टनल है उसका नाम है टनल नंबर 33, और इसे बैरक टनल भी कहा जाता है। बैरक टनल किसके कहा जाता है वो आपको वीडियो में आगे आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये जो टनल नंबर 33 है, इसका निर्माण 1898 में शुरू हुआ, और इसे बनाने के लिए एक बहुत ही फेमस, क्योंकि बहुत ही जाने माने एक इंजीनियर थे, उनको बुलाया गया था, अंग्रेज लोगों ने उनको बुलाया था इसका निर्माण के लिए। उनका नाम था कर्नल बैरन, जिनके नाम से इस टनल का नाम रखा गया। वो क्यों है आपको पता चल ही जाएगा। तो क्या होता है कि जब ये टनल का निर्माण किया गया था, इस टनल को बहुत जल्दी में बनाने के लिए ये जो मेन इंजीनियर थे बैरक साहब ने, उन्होंने क्या किया कि इस टनल के दूसरे तरफ दो तरफ से इसको खुदाई करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि जब ये खुदाई करते वक्त उनको एक बहुत बड़ा चुनौती उनको मिला, वो क्या है कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर उनको मिला जिसका लेंथ नियरली अबाउट 1 किलोमीटर था। आप समझ सकते कितना बड़ा पत्थर होगा जिसका लेंथ 1 किलोमीटर है भैया। तो 1 किलोमीटर को खुदाई करने में बहुत वक्त लगता है। जब ये वक्त बढ़ता गया, इनको जल्दी ख़त्म करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया कि ये वक्त उनको बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब इसकी जानकारी जो अंग्रेज सरकार के पास पहुंचा, तो उन्होंने बहुत नाराज हो गए, इनके ऊपर एक केस फाइल किया गया, जिसके बदौलत इनको ऊपर एक जुर्माना, एक फाइन लग गया जो कि 1 रुपया का था। आप अभी बोलेंगे कि यार 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी की वक्त में 1 रुपया का मूल्य इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब 1 रुपया का मूल्य बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो सिर्फ यही नहीं, उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया इस वजह से, और उनकी जो वर्कर्स थे, गवर्नमेंट तो जो किया है क्या, लेकिन जो उनके साथ जो वर्कर्स थे, उनके जो कॉलिग्स थे, उन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया, जिसके बदले ये काफ़ी हद तक डिप्रेशन में चले गए। और एक दिन वो मॉर्निंग वॉक में उनकी डॉग के साथ उन्होंने मॉर्निंग वॉक में गए थे, और उस टनल के अंदर ही खुद को अपनी पिस्तौल से शूट कर दिया, खुदकुशी कर लिया उन्होंने, वहाँ पर वो मर गए। तो जब बाद में सारे लोगों ने उनको ढूंढने का कोशिश किया, तो उनकी बॉडी उस टनल के अंदर से ही मिला। तो तब के बाद इस काम रुक गया था, और फिर एक दूसरे अच्छे इंजीनियर को बुलाया गया जिनका नाम था H.C. हैरिंगटन। उन्होंने इसका जो टनल का निर्माण कंप्लीट कर दिया,
1903 में ही उन्होंने कंप्लीट कर दिया इस टनल को। उसके बाद से शुरू होता है सारी कहानी। तो क्या होता है कि यहाँ पे कहा जाता है कि एक सुरंग है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है नहीं, मैंने गया भी नहीं, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे एक सुरंग है जिसको कि बंद किया गया था। वो टनल जब एच एंटन ने शुरू किया था, बनाना शुरू किया था, उससे पहले इस टनल को बंद किया गया था। तो जब बंद किया गया था, क्यों बंद किया था मैं आपको बता भी दूंगा। और एक बात, जब उनकी जो बॉडी मिला था तो लोगों को काफ़ी हद तक बुरा लगा कि यार एक इंसान बहुत मेहनत किया था और काम जब कंप्लीट नहीं हुआ तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हुआ था, वो तकलीफ में मर गए थे। इस वजह से उन्होंने जो ऑफिसर थे, जैसे एक काम के लिए उन्होंने वहीं पर अपनी दम तोड़ दिया था, तो इस वजह से उनकी जो डेड बॉडी था उन्होंने उस टनल के पास ही उनका बरी कर दिया था, उन्हीं को बरी कर दिया था उनकी डेड बॉडी को। तब से लेकर अभी तक जो लोग मानते हैं वहाँ पे एक सीक्रेट जो कहते हैं सुरंग है वहाँ पे, जिसे बंद करवाया गया था जब एच सी हैरिंगटन ने काम शुरू किया था, उस वक्त से पहले ही उसे बंद किया था। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये टनल पूरी तरीके से निर्माण कार्य टनल का जब ख़त्म हो जाता है, तब क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जब उसे सुरंग कहा जाता है ना, जो सुरंग था वो खुल जाता है अपने आप ही, ऐसे कोई कुछ नहीं करता है, अपने आप खुल जाता है। और पहाड़ों के बारे में एक चीज़ ये भी होता है कि जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है, जो भी होता है, जब पहाड़ों को काट के बनाया जाता है, तब क्या होता है कि उसके बीच में झरना के पानी ऐसे बहते हैं जो कि ऑलमोस्ट एक खौफनाक एक्सपीरियंस, खौफनाक साउंड भी पैदा करता है। आप इमेजिन करो एक अंधेरे जगह है जहाँ पे पानी रिस रहा है, पानी का भी तो एक साउंड होता है ना, पानी जब गिरता है गिरने का साउंड आता है। लोग ये भी कहते हैं कि वो पानी का साउंड ही काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो बहुत लंबा टनल है और जब टनल लंबा होता है तो चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा होगा, और अंधेरे में कोई भी आवाज़ लोगों को डरा ही देता है। तो लोग ये कहते हैं कि जब कोई भी ट्रेन इसके अंदर से जाता है, उसके बाद में जब उनकी मौत हुआ, उसके बाद में कोई भी ट्रेन इसके अंदर से जाता है तो लोगों को उनकी चीख सुनने को मिलता है। लोगों ने ये भी दावा किया है कि उनकी भूत, उनकी परछाई, उनके जैसा कोई इंसान को लोगों ने देखा है। आप समझ सकते हैं यार ये कितना खौफनाक है। तो लोग जब उसके अंदर ट्रेन की बात ही लोग जाते हैं तो उनको तब भी ऐसे महसूस होता है। इसके बारे में आप चाहें तो बहुत सारे वीडियोज है यूट्यूब में, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में, बहुत सारे आर्टिकल्स भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्री भी बहुत सारे बने हैं टनल नंबर 33 के बारे में, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, लोग कहते हैं, लोग की एक्सपीरियंस है। अभी के वक्त में तो वो एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि आपको शिमला के व्यू देखना है वो भी ट्रेन में, तो यही आपके लिए एक बहुत ही बेहतर रास्ता है शिमला कालका ट्रेन रूट, क्योंकि इसके अंदर आपको 103 टनल क्रॉस करना पड़ेगा शिमला में पहुंचने के लिए। बहुत ही बेहतरीन रास्ता है वहाँ पे, बहुत ही जिसे कि अभी जो कहा जाता है कि यूनेस्को के द्वारा इसका एक काम चल रहा है, यूनेस्को के द्वारा इसको संरक्षण किया गया है, तो आप जाके इसे देख सकते हैं। तो यही था आज की कहानी, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। तो फिर मिलेंगे एक दूसरा, हाँ एक और चीज़, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, जानकारी है, कुछ भी जो अपना हो, नया हो, खुद का होना चाहिए, और या फिर आप किसे सुने हो तो भी चलेगा यार, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पे आपको मेरा ईमेल आईडी दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप अपनी जो कहानी, जानकारी जो भी है भेज सकते हैं। मैं लोगों के साथ, सबके साथ, आप सभी के साथ शेयर कर दूँगा। बस ये था आज की कहानी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे और नए कमाल शानदार शानदार वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जय हिंद, जय भारत।